स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द टेक्निक में। आज के इस वीडियो में एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है इंटरनेट बिजनेस। इंटरनेट बिजनेस कैसे शुरू करें, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और आप इस काम को करते हुए 1,00,000 रुपए के महीने तक का आमदनी कर सकते हैं, कैसे होगा इस वीडियो में यही जानकारी देने जा रहा हूँ। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम बताते हैं इंटरनेट बिजनेस कैसे करेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंटरनेट का बिजनेस अभी के समय का सबसे ज्यादा डिमांड होने वाला बिजनेस है, सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस जो है वो इंटरनेट का ही है। इस क्षेत्र में अभी के समय में बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप इस काम को करते हैं तो। इंटरनेट बिजनेस के लिए अगर आप नए बंदे हैं तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे शुरू करेंगे, यही इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने एरिया का चुनाव करेंगे, किस एरिया में हमें इंटरनेट का काम करना है, वहां का ट्रैफिक क्या है, कितने लोगों का वो एरिया है। एरिया हम वैसा सेलेक्ट करेंगे जहां कम से कम 2,000 से 3,000 घर हो। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आता है कि इंटरनेट, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई सामान परचेज करना पड़ता है, उसके बाद आप उसे सेल करते हैं। तो इंटरनेट आप कहां से लेंगे, इंटरनेट बिजनेस करने के लिए इंटरनेट भी आपको परचेज करना पड़ता है, तो वो परचेज आप कहां से लेंगे। इंटरनेट का बिजनेस करने के लिए एक ही माध्यम है, वो ISP के द्वारा। या तो आप खुद ISP बनेंगे या ISP के साथ जुड़कर उसके सर्विस पार्टनर बनेंगे। ISP बनने के लिए आपको बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं जो कि खर्च करोड़ों में आते हैं, उससे अच्छा होगा कि आप ISP के साथ जुड़कर ISP के सर्विस पार्टनर बन के आप काम कर सकते हैं। जो कि ये ISP आपको क्या करेगा, बैंडविड्थ प्रदान करेगा। ये ISP आपको बैंडविड्थ देगा, यानी कि आसान भाषा में बोले तो इंटरनेट देगा। ISP आपको इंटरनेट देगा। इंटरनेट के साथ साथ आपकी जहां ऑफिस होती है, आपको एक ऑफिस की भी जरूरत पड़ती है, आपकी जहां ऑफिस होती है ISP अपने सर्वर से लेके आपका एक सर्वर रूम होता है जो आप ऑफिस बनाएंगे, उसमें एक छोटा सा सेटअप होता है, सर्वर रूम बोलते हैं उसे। तो ISP क्या करता है, आपके ऑफिस तक वायर के माध्यम से लाइन शुरू करता है जिसके माध्यम से वो इंटरनेट आपके सर्वर तक पहुंचाता है, जिसके बदले में ISP का एक चार्ज होता है, जो बैंडविड्थ होता है उसका एक चार्ज होता है, वो चार्ज लेता है। हर कंपनियों के जितने भी ISP है, हर कंपनी के अलग अलग चार्ज हो सकते हैं। और ISP के सर्वर से लेकर आपके सर्वर तक, आपके ऑफिस तक की कोई भी गड़बड़ी आती है इंटरनेट में, जैसे कि वायर कट जाना या फिर बैकएंड इशू, कुछ भी इशू आती है, तो वो ISP खुद से सॉल्व करेगा, इसकी सर्विस वो खुद से करेगा। आपको ऑफिस से कस्टमर एंड तक की आप वायर डालोगे, आपको उसकी सर्विस करनी होगी, आप बन जाते हो ISP के सर्विस पार्टनर। ISP आपके तक सर्विस देता है, आपके ऑफिस तक, आप अपने ऑफिस से जो इंटरनेट सप्लाई करते हो कस्टमर के घर तक, वहां तक की सर्विस आप देते हो। आपके एरिया में ISP कौन कौन से है वो आपको पता करने होंगे। ISP आपके एरिया में कौन कौन से है वो आपको पता करने होंगे कि हमारे एरिया में कौन कौन से ISP है, जो कि अपने सर्विस पार्टनर ढूंढते रहते हैं अपने एरिया में, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए सर्विस पार्टनर ढूंढते रहते हैं। तो आप जिस किसी भी एरिया से हैं, तो आपको सबसे पहले आपके एरिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कौन सा मिलेगा उसकी पहले आपको तलाश करनी पड़ेगी, वो आप गूगल के माध्यम से खोज सकते हैं। बहुत सारे ISP के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको एयरटेल, जियो, BSNL, एनोनेट, हैथवे,
जैब बाइट, वन ब्रॉडबैंड, कॉमवे, बहुत सारी कंपनियां हैं, ISP है जो कि आपको, जो कि अपने एरिया, हर एरिया में इंटरनेट सर्विस पार्टनर ढूंढते रहती है। आपको क्या करना है, किसी एक के साथ टाई अप कर लेना है, एग्रीमेंट करके अपने काम को शुरू करना है। अब दोस्तों बारी आती है, आप जब काम को शुरू करते हो तो आपको अपने ऑफिस इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको जो OLT लगता है, एक जीपोन का आता है, एक ईपोन का आता है। अगर आप ईपोन का लेते हैं तो लगभग 4 पोर्ट का आपको 40,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। वही आप अगर जीपोन का लेते हैं 4 पोर्ट का, तो आपको लगभग 65,000 से 70,000 के भीतर में मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों में बस फर्क होता है कैपेसिटी ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर की क्वांटिटी। इस 4 पोर्ट वाले जो ई पोर्ट के जो ओएनयू होते हैं, 1 पोर्ट यानी 1 फोन, 4 पोर्ट या 4 फोन बोल सकते हैं उसे, एक फोन से हम 64 कस्टमर चलाते हैं। यानी 256 कस्टमर, लगभग 250 के आसपास तक का कस्टमर आप ई फोन के ओएलटी से चला सकते हैं। वहीं आप जी फोन का 4 पोर्ट का अगर ओएलटी लेते हैं, 4 पोर्ट या 4 फोन बोल सकते हैं इसे, तो आप एक फोन पे आप 128 कस्टमर तक का चला सकते हैं। इसकी कुल संख्या हो जाएगी 512, यानी कि लगभग 500 से। तो 30,000 रुपए का डिफरेंट होता है और कस्टमर जो है सो डबल हो जाता है। तो आप जी फोन के साथ भी जा सकते हैं, ई फोन के साथ भी जा सकते हैं, कोई एक सेटअप आप लेकर शुरुआत कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू में आप ई फोन का ले लें। ई फोन में थोड़ा सा कम परेशानी होता है ओएलटी मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो प्लग एंड प्ले पे चलता है। तो अगर आप नए हैं इंटरनेट के बारे में, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप ई फोन का ओएलटी ले सकते हैं। अगर 250 कस्टमर आपके फुल हो जाते हैं, तो आप एक और ई फोन का या जी फोन का बाद में दूसरा ओएलटी लेकर आप फिर से चला सकते हैं। ओएलटी का खर्चा तो आपको समझ में आ गया। दूसरा आपको जो है सो स्प्लाइसिंग मशीन का कॉस्ट आता है अभी के समय में लगभग 80-90 हजार से शुरू हो जाता है। 1 लाख रुपए तक का आप मान के चले, 1 लाख रुपए तक में आपको एक स्प्लाइसिंग मशीन आपके काम के हिसाब से मिल जाएगी। उसके बाद हमने बताया था एक पावर मीटर की आपको जरूरत पड़ेगी। पावर मीटर लगभग 3 से 4 हजार के भीतर में आपको मिल जाएगा। OTDR है, तो OTDR ऑप्शनल, आप लेना चाहे ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो जरूरत की चीज है, एक इन्वर्टर है जो कि आप लगभग 15 से 20 हजार रुपए के भीतर में, लगभग 8-10 घंटे के बैकअप के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो आपके फिक्स हो जाते हैं, जो आपके ब्लॉक हो जाते हैं ऑफिस में, आपको जो एक बार सेटअप में आपके ये लगते हैं। लगभग मान के चलो कि ये आपका अगर 40,000 रुपए अगर आपको एक ओएलटी के पड़ गए हैं, 1 लाख रुपए आपको स्प्लाइसिंग मशीन के पड़ रहे हैं, 4,000 रुपए आपको पावर मीटर के पड़ रहे हैं, इन्वर्टर के आपको 20,000 रुपए पड़ रहे हैं। इसके अलावा आपका ऑफिस का रेंट होगा, ऑफिस का जो डेकोरेशन होगा, ऑफिस का जो सेटअप होगा वो होगा। सामान में आपको कुल
इतने रुपए की लागत है। कुछ एसोसीरीज रखते हैं क्वालिटी वगैरह के लिए, उसके कॉस्ट आप लगभग 20 से 25,000 रुपए का मान के चलो, जो कि एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब इसको टोटल करते हैं कितना होता है, 1,40,000, 20,000, 60, 20, 80, 85, 1,89,000 रुपया। 1,89,000 रुपये में आपका ऑफिस का सेटअप तैयार हो जाएगा। इसको राउंड फिगर आप 2,00,000 रुपये मान सकते हो। 2,00,000 रुपये में आपको इंटरनेट बिजनेस के लिए ऑफिस का सेटअप तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको पैसे लगेंगे, जो किस चीज में लगेंगे, जो हमने आपको बताया था, आपको फील्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, अब उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। फील्ड के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, फाइबर ले सकते हैं, कितना भी छोटा एरिया क्यों ना हो, कम से कम आपको 8-10 किलोमीटर की फाइबर लग जाएगी। 8-10 किलोमीटर फाइबर लगने का मतलब है कि आपको 6-7 रुपए पर मीटर फाइबर का आंकड़ा आता है। आप मान के चलो कि लगभग आपको 70,000 रुपए के आसपास का आपको फाइबर लग जाएगा। आपको रोड पे डालने होते हैं फाइबर, जहां आप जिस कॉलोनी जिस एरिया में आप, क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है कि 2,000 से 3,000 घर हो उस एरिया में आप बिजनेस कीजिए, ताकि इन्वेस्टमेंट आप आसानी से यहां तक का पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको लगभग 10 किलोमीटर के आसपास की, 8-10 किलोमीटर के आसपास की फाइबर आपको डालनी पड़ेगी ऑन रोड। उसमें आपको लगभग 70,000 रुपए का फाइबर लग जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे सीरीज होते हैं फाइबर, जैसी पैचकोट वगैरह, ये सब बहुत सस्ते होते हैं, ये आपको लगभग 10,000 रुपए के आसपास में बहुत हो जाएंगे। ऐसे सीरीज मेन जो होता है दोस्तों फील्ड के लिए, हमें एक जीने की जरूरत पड़ती है, जिसे सीढ़ी बोलते हैं। जीना लगभग 10,000 रुपए के आसपास का आता है। अगर आपकी बजट नहीं है तो आप लकड़ी वाला जीना भी बना सकते हैं। ये 10,000 रुपए के आसपास का जो जीना हमने बताया, वो एल्युमिनियम का फोल्डेबल होता है। हम लोग अपने काम के लिए उसी जीने का यूज करते हैं, जिसकी हाइट 15 फीट 16 फीट 17 फीट ऊंचे ऊंचे तक का काम करने के लिए सही होता है। इसके बाद हमें चाहिए होती है सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ONU प्लस OLT। कुछ ONU भी लगते हैं आपके, कुछ OLT भी लगते हैं। तो आप मान के चलो कम से कम 50 ONU या 50 OLT। तो 50 ONU में आप स्टार्टिंग में आप 50 ONU का मान के चलो, ONU प्लस राउटर जो भी आप लेते हैं, तो कम से कम एक डिवाइस पर आपको 2,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा। या तो आप किसी कस्टमर के पास ONU प्लस राउटर लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट ONT लगाएंगे, तो आपको लगभग 50 का एवरेज आप मान के चलो, 1,00,000 रुपए आपको इस डिवाइस के लिए आपको रखने होंगे। भले आप 2, 4, 5, 10 करके लेकर आओ, लेकिन आपको लगभग इतने का डिवाइस आपको खरीद के रखना होगा। इसकी टोटल कुल लागत आपको हो जाएगी 1,00,000 रुपए, 70,000, 10,000, 10,000, यानी कि 70 और 80, 10, 90, यानी 1,90,000 रुपए टोटल आपका फील्ड के लिए आपके खर्च होंगे, यानी कि जो पूंजी होगी आपकी फील्ड के लिए 1,90,000 रुपए। इसे भी हम लगभग 2,00,000 रुपए के आसपास का आंकड़ा मान लेते हैं। आपके ऑफिस के लिए आपको लगभग 2,00,000 रुपए, आपके फील्ड के लिए आपको लगभग 2,00,000 रुपए। एक जगह इन्वेस्टमेंट हमारी और होती है इसमें, वो है हमें ISP को, जो सर्विस पार्टनर हम लोग बनते हैं, तो उसका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस होते हैं, ISP के द्वारा हमें कुछ चीजें दी जाती है, जिसका हमें कुछ चार्ज पे करना पड़ता है, या फिर आप कह पाए कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है उसके चार्ज के रूप में वो पैसे आपको बाद में रिकवर हो जाते हैं। धीरे धीरे बैंडविड्थ में आपको मैनेज कर लिया जाता है। उसके बदले में आपको स्विच मिलते हैं, कुछ डिवाइस वगैरह मिलते हैं,
तो यहां से आपको लगभग मान के चलो कि आपको लगभग 40 से 50 हजार रुपए के आसपास की बैंडविड्थ वगैरह, स्टार्टिंग में आपको 50 हजार रुपए के आसपास की बैंडविड्थ वगैरह खरीदने में आपको कॉस्ट लग जाएगी, आपको जो आईएसपी को देना पड़ेगा। तो 50 हजार रुपया जो आईएसपी के लिए आप मान के चलो कि आपको 50 हजार रुपया बैंडविड्थ के लिए मान के चलो आपको लग जाएंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितने लग रहे हैं, 2 लाख और 50 हजार, यानी 4 लाख 50 हजार रुपया आपको जो है सो टोटल लग रहे हैं इस काम को शुरू करने में। राउंड फिगर आप 5 लाख मान लो, इसे 5 लाख हो भी जाएंगे 50 हजार में, आप मान के चलो कि आप अपने ऑफिस का रेंट वगैरह दोगे, ऑफिस के सेटअप वगैरह करोगे, टोटल आपको लगभग 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपका यह इंटरनेट बिजनेस शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपने समझ लिया, इंटरनेट बिजनेस कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, लगभग 5 हजार रुपए आपने ये समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 लाख रुपए का महीना कमाओगे कैसे। अब आइए दोस्तों ये समझने की कि आप 1 लाख रुपए का महीना कैसे कमाओगे। 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, आपने ऑफिस भी खोल लिया, सेटअप भी लगा लिया, आपने 1-2 लड़के को भी रख लिया काम के लिए, आप पास 1 लाख रुपए महीने का आप कमाओगे कैसे। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप उस एरिया में काम करेंगे जहां की ट्रैफिक 2000 से 3000 है, यानी 2000 से 3000 घर आपको जहां पर मिल जाएंगे जिस एरिया में। अब यहां पर क्या करना है, आपको कुछ पैसे आपको एडवर्टाइजिंग में खर्च करने होंगे, 20-30-40-50 हजार रुपए, जिसमें आपको स्टिकर, सनपैक, बैनर, ये सारी चीजें आपको अपने एरिया में, जिस एरिया में आप काम करना चाहेंगे उस एरिया में आपको एडवर्टाइज के लिए ये सारी चीजें आपको लगवानी पड़ेगी। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, 2000-3000 घर है तो आपको हो सकता है शुरू के महीने में आपको 10 कस्टमर आए, 20 कस्टमर आए, 30 कस्टमर आए। अगर आपकी सर्विस इस 10 कस्टमर को या 20 कस्टमर 30 कस्टमर को सर्विस अगर आपकी बेटर लगी तो ये आगे रेफर करेगा, धीरे धीरे आप इस ऑडियंस के पास पहुंच पाओगे, यानी 2000-3000 घर है तो धीरे धीरे करके आप इस ऑडियंस के पास पहुंच जाओगे। आप मान के चलो कि अगर आप 6 महीने मेहनत करते हो, 6 महीने नए काम है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अब जहां आप समझ सकते हो कि इंटरनेट का काम है काफी ही सेंसिटिव काम होता है, किसी कस्टमर का इंटरनेट 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो आपको फोन पे फोन करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन में आपको सर्विस अपनी सबसे बेटर रखनी पड़ेगी, कस्टमर का फोन आया हम तुरंत जो है तो उसकी कंप्लेंट को सुने, तुरंत जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करें। तो अगर आपकी सर्विस बेटर होती है तो आपको 400-500 कस्टमर तक पहुंचने के लिए 6 महीने बहुत है। आप मान के चलो कि 6 माह आपने मेहनत किया और 6 महीने मेहनत करने के बाद आपको जो है सो 300 से 500 कस्टमर आपसे जुड़ गए, कस्टमर जुड़ गए, तो 300-500 का 300 से लेकर 500 के कस्टमर के बीच का अगर कस्टमर आपके पास हो गया, यानी 300 से 500 कस्टमर अगर आपके पास 6 महीने के बाद अगर हो गए तो 6 महीने के बाद आप इस आंकड़े को पार कर लो, इस आंकड़े को आप तक आप पहुंच जाओ। कैसे बताता हूं, 300 से 500 इसके एक बीच का आंकड़ा निकालते हैं। अगर आपने 6 माह के अंदर में अगर 400 कस्टमर अगर आपने 400 कनेक्शन आपने अगर लगा दिया तो आपके प्रॉफिट हो जाते हैं, जो भी पैसे आपको कस्टमर देंगे, मान लो कि आपकी एक आपका एक अपना रेट है, आप पर कस्टमर से 500 रुपए महीने का ले रहे हो, रेट ज्यादा भी होता है 600-700 जो एमबीपीएस के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से आपका रेट तय होता है, 500, 600, 700, 800, 1000 रुपया। मान लो कि आप पर कस्टमर से एवरेज कोई 500 देगा, कोई 600 देगा, 700 मिनिमम एवरेज जो है अगर आपके पास 500 आता है तो आपके पास पैसे आ जाते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आपके खर्च कितने होते हैं, खर्च होते हैं आपके पिन के, बैंडविड्थ जो आपको आईएसपी देता है, और कस्टमर आप
कि जो बैंडविड्थ के खर्च होंगे वो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का होगा। 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का आपका पर कस्टमर बैंडविड्थ के कॉस्ट जाएगी। इसके अलावा भी खर्च है, आपके ऑफिस का रेंट है, स्टाफ का किराया है, इसको आप 200 रुपए का आंकड़ा आप मान सकते हैं आपकी कॉस्टिंग के। तो 200 में आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप 500 रुपए पर कस्टमर के का ले रहे हो तो 500 में 200 रुपए अगर आपके कॉस्टिंग के घट भी जाते हैं तो आपको बचते हैं 300 रुपए पर कस्टमर। 300 के हिसाब से अगर आपको पर कस्टमर 400 कस्टमर अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं 1,20,000 रुपए का इनकम आपको हो रहा है हर महीने, क्योंकि ये जो कस्टमर है हर महीने आपको रिचार्ज के पैसे देगा। कोई मंथली कराएगा, कोई तिमाही कराएगा, कोई 6 माह का एक साथ कराएगा, कोई 1 साल का इकट्ठे कराएगा, लेकिन पैसे आपको हर महीने देगा। पैसे देना तभी बंद होगा जब वो कस्टमर आपकी सर्विस से नाखुश होकर किसी और कंपनी पे स्विच कर जाए। तो आपको इस काम के अंदर सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपको अपनी सर्विस बेटर रखना होगा, सर्विस बेटर रखना होगा। चाहे इसके लिए आप खुद से जाकर फील्ड में जाकर काम करें या स्टाफ आपका जो स्टाफ होगा वो बढ़िया हायर करें, तब जाके आप सर्विस बढ़िया से दे पाओगे। तो आपको मैंने इंटरनेट बिजनेस क्या है और कैसे करना है वो भी बता दिया, इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख रुपए तक का है वो भी बता दिया, आप महीने का 1 लाख रुपया कैसे कमाओगे मैंने आपको वो भी बता दिया। तो ये फुल प्रोसेस इंटरनेट बिजनेस से रिलेटेड था। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।